हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सभी सुन रहे हैं कुणाल की हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गांव की डरावनी कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी को। प्रेम अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर बाग में बैठी एक लड़की पर पड़ी। प्रेम कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर झांकने लगा। इतनी सुंदर वो खुद थी, उससे भी कहीं सुंदर थी उसकी काली काली सी झील सी आंखें। वो उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में वहाँ एक औरत आई और उसको अपने साथ हाथ पकड़कर ले गई। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन प्रेम से रहा नहीं गया और वो बाग में पहुँच गया। वो उस लड़की से बात करने ही वाला था कि वहाँ पर वो औरत आ गई और उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर प्रेम घबरा गया और हकलाते हुए बोला, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। हकलाने के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर वो औरत उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। औरत प्रेम के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? प्रेम कहने लगा, मैं इस लड़की की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे इसमें अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। और उस औरत के पूछने पर प्रेम अतीत की यादों में डूबता चला गया। मम्मी मम्मी, देखो ना, भैया मेरी चोटी खींच रहे हैं, गुड़िया चिल्लाते हुए बोली। प्रेम क्यों परेशान करता रहता है अपनी छोटी बहन को? मम्मी प्रेम से बोली, उनमें हमेशा वही छींटा कसी होती रहती जो भाई बहनों में होती रहती है, परंतु प्यार भी दोनों आपस में बहुत करते थे। गुड़िया प्रेम के सब काम किया करती थी, जैसे लंच पैक करना, उसका बैग अरेंज करना, उसका रूम अरेंज करना। गुड़िया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन लंच पैक करते करते अचानक गुड़िया बेहोश होकर गिर पड़ी। सब उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे। डॉक्टर ने गुड़िया के सारे चेकअप करे। थोड़ी देर में गुड़िया को होश आ गया, परंतु चेकअप की रिपोर्ट आना अभी बाकी थी। डॉक्टर ने कहा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट को देखकर ये बताएंगे कि गुड़िया को कोई परेशानी तो नहीं है। शाम को डॉक्टर ने प्रेम के मम्मी पापा को अपने केबिन में बुलाया। उस समय प्रेम 10 वर्ष का था और गुड़िया 8 वर्ष की। प्रेम भी अपने मम्मी पापा के साथ डॉक्टर के केबिन में चला गया। पापा ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या आया है रिपोर्ट में? डॉक्टर ने कहा, पहले आप बैठ जाइए। डॉक्टर की आवाज़ में बहुत गंभीरता थी। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर पापा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, माँ तो जैसे बेहोश सी हो गई। पापा ने पूछा, मेरी बेटी कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, आपकी बेटी का ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज में है। पापा ने अपने आप को संभालते हुए पूछा, कितना समय है मेरी बेटी के पास? डॉक्टर ने कहा, 1 महीना। ये सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू बहने लगे। प्रेम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद भी 10 साल का ही था। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? पापा ने माँ को संभाला और प्रेम को सीने से लगा लिया और कहने लगे, बेटा अब तुम्हें अपनी बहन का बहुत ध्यान रखना है और उसे परेशान नहीं करना। 1 महीने बाद तुम्हारी बहन भगवान के घर चली जाएगी, इसलिए जितना प्यार करना है उसे अभी कर लो। पापा ने माँ और प्रेम से कहा, गुड़िया को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए।
वे शाम को गुड़िया को लेकर घर वापस आ गए। अगली सुबह गुड़िया फिर से प्रेम का लंच पैक करने लगी तो प्रेम ने कहा, गुड़िया तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर ले। मुझे क्या हुआ है भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पापा ने मुझे बताया कि मुझे थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आने ही वाले थे, इसलिए मैं रसोई घर में चला गया। गुड़िया उसका लंच बॉक्स लेकर कमरे में आ गई और उसका लंच बॉक्स उसके बैग में रख दिया। प्रेम गुड़िया से नज़रें चुराकर स्कूल चला गया। गुड़िया भी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी, तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा आज स्कूल मत जाओ। गुड़िया बच्ची थी, इसलिए छुट्टी की सुनकर एकदम से खुश हो गई। दिन गुजरते गए, इस तरह से 15 दिन निकल गए। गुड़िया दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी, उसकी हालत और ख़राब होने लगी थी। प्रेम का मन स्कूल जाने को नहीं करता था, उसे लगता कहीं ऐसा ना हो मैं स्कूल से वापस आऊं तो मुझे मेरी बहन गुड़िया ना मिले। रात को भी वो कई बार आकर गुड़िया को देखता था। धीरे धीरे गुड़िया की हालत बिगड़ने लगी और वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। प्रेम ने स्कूल जाना छोड़ दिया और वो गुड़िया के सामने बैठा रहता। एक दिन कमरे में अकेले प्रेम और गुड़िया थे। गुड़िया बोली, भैया मेरे जाने के बाद आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। प्रेम ने हैरानी से पूछा, गुड़िया तू कहाँ जा रही है? गुड़िया कहने लगी, भैया मुझे सब कुछ पता है। उस दिन जब आप रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास गए थे तो मैंने खिड़की पर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। मुझे पता है अब मैं मरने वाली हूँ। भैया आप मेरे जाने के बाद रोना मत, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर प्रेम जोर जोर से रोने लगा। कुछ दिनों बाद गुड़िया ने अपने भैया प्रेम से कहा, भैया मेरा सिर अपनी गोद में ले लो। प्रेम ने वैसा ही किया। प्रेम की बाहों में ही गुड़िया ने अपनी आखिरी सांस ली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अभी गुड़िया को गुजरे 5 साल ही हुए थे। एक कार एक्सीडेंट में प्रेम के माता पिता भी उसे छोड़कर चले गए। अब प्रेम इस दुनिया में अकेला रह गया। परिस्थितियों ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया। अब वो अपने सारे काम खुद ही करता था। धीरे धीरे प्रेम आत्मनिर्भर हो गया। उसने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके एक नौकरी कर ली। बाग में बैठे औरत ने प्रेम को झंझोड़ा तो वो अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गया। प्रेम बोला, मुझे इस लड़की में अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। इनकी आंखें इतनी सुंदर है, बिल्कुल मेरी गुड़िया की आंखों जैसा। उस औरत ने कहा, इसकी आंखों को देखकर इसके माँ बाप ने इसका नाम सुनैना रखा था, परंतु उनको क्या पता था कि ये आंखें केवल नाम के ही सुंदर है, इनमें रोशनी नहीं है। प्रेम चौंक गया, क्या रोशनी नहीं है? हाँ, उस औरत ने कहा, ये अंधी है, बड़ी खराब किस्मत है। बेचारी 12 साल की उम्र में ही माता पिता का साया इसके सिर से उठ गया। तब से बेचारी अनाथालय में ही रह रही है। प्रेम उस लड़की के पास गया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा और बोला, क्या तुम मुझे अपना भाई मानोगी? सुनैना ने भी भैया कहते हुए प्रेम का हाथ पकड़ लिया। तभी औरत बोली, चलो सुनैना, अनाथालय जाने का समय हो गया है। प्रेम भी उनके साथ अनाथालय आ गया। प्रेम ने अनाथालय के संरक्षक से प्रतिदिन सुनैना से मिलने की इजाज़त मांगी। आज बहुत दिनों के बाद वो घर लौटते समय बहुत खुश था। वो घर वापस आ गया। उधर सुनैना भी एक भाई पाकर बहुत खुश थी। कभी प्रेम सुनैना से मिलने अनाथालय में आ जाता तो कभी सुनैना प्रेम से मिलने के लिए घर चली आती। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन प्रेम ने उससे पूछा,
क्या तुम मेरे घर पर आकर रहना पसंद करोगी? हाँ भैया, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे आपकी याद बहुत आती है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ससुराल का तो सुख मेरे नसीब में नहीं है, कम से कम मायके का तो सुख भोग ही सकती हूँ। प्रेम ने सुना तो चकित रह गया, फिर पूछा, क्यों, तुम्हें ससुराल का सुख क्यों नहीं मिलेगा? सुनैना बोली, भैया भला अंधी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? उसकी बात सुनकर प्रेम अंदर तक हिल गया। उसने मन ही मन सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बहन की शादी अवश्य कराएगा। उसने कानूनी कार्रवाई करके पूर्ण रूप से सुनैना को अपनी बहन के रूप में अपना लिया था। वो सुनैना को अपने घर ले आया। अब दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। इस तरह कई महीने बीत गए। इन बीते महीनों में जब भी उसे किसी आंखों के डॉक्टर के बारे में पता चलता तो वो अपनी बहन को चेक करवाने पहुंच जाता। दोनों के बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि वो एक दूसरे को उसकी आहट से भी पहचानने लगे थे। एक दिन प्रेम बाजार में खड़ा था, तभी किसी ने उसके पीछे कंधे पर हाथ रखा। प्रेम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त अनुराग था। अरे अनुराग, तुम यहाँ? अनुराग उसके बचपन का दोस्त था। अनुराग को देखते ही उसके बचपन की याद ताज़ा हो गई। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। प्रेम अनुराग को अपने घर ले आया। सुनैना ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो वो कमरे में आ गई। अनुराग सुनैना को देखकर उसके चेहरे में खो गया। प्रेम बोला, ये मेरी बहन सुनैना है। कितना सुंदर नाम है और उनकी आंखें भी कितनी सुंदर है, अनुराग ने मन ही मन में कहने लगा। अनुराग पहली ही नज़र में सुनैना को अपना दिल दे बैठा। प्रेम और अनुराग आपस में बात करने लगे। बातों बातों में अनुराग को पता चला कि सुनैना देख नहीं सकती। ये सुनकर अनुराग हक्का बक्का रह गया। अनुराग ने कहा, अरे मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ, मैं सुनैना की आंखों का चेकअप करूँगा। ये सुनकर प्रेम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तो मैं कल ही चेकअप के लिए ले आऊँगा, बताओ कहाँ आना है। अनुराग ने उसे एड्रेस दिया और कहा, कल सुबह 11 बजे तक आ जाना। थोड़ी देर बात करने के पश्चात अनुराग अपने घर चला गया। प्रेम की आंखों में रात भर नींद नहीं थी, उसे तो बस सुबह होने का इंतज़ार था। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और खुशी में आकर उसे बड़ी ही चैन की नींद आई। सुबह होते ही 11 बजे वो अनुराग के क्लिनिक पहुंच गया। अनुराग ने सुनैना की आंखों का चेकअप किया और कहा, यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें दे दे तो सुनैना फिर से देख सकेगी। प्रेम ने शहर के सभी आई बैंकों में पता किया, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आई बैंक में आंखें नहीं थी। एक बार फिर से प्रेम के उम्मीद की किरण मुरझा गई, वो बहुत निराश हो गया। सुनैना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। कोई बात नहीं भैया, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। परंतु प्रेम ने अपनी कोशिश जारी रखी। उसने आसपास के सभी शहरों में पता किया। उसने सभी आई बैंकों में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया ताकि व्यवस्था होते ही तुरंत उसे कॉल करें। एक दिन प्रेम सड़क पर चलते चलते अचानक बेहोश होकर गिर गया। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में जब उसका चेकअप हुआ तो उसे पता चला कि उसे कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज में। उसने ये बात सुनैना से छुपा ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुनैना को दुख हो। अगले दिन वो सुनैना के पास गया और बड़े ही खुश होते हुए कहने लगा, सुनैना तुम्हारी आंखों के लिए दाता मिल गया है। सुनैना ये सुनकर बहुत खुश हुई। प्रेम बोला, 15 दिन बाद तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन है। सुनैना ने पूछा, कौन है भैया वो? प्रेम बोला, पता नहीं, आई बैंक से मेरे पास फ़ोन आया था। अब प्रेम सारा समय सुनैना के साथ बिताता था। आखिरकार ऑपरेशन का दिन भी आ गया। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय प्रेम ने उसका हाथ बड़ी मजबूती से थाम रखा था। अनुराग ऑपरेशन कर रहा था।
ऑपरेशन के बाद सुनैना ने अनुराग से प्रेम के बारे में पूछा तो अनुराग ने कहा अभी वो बाहर गए हैं। सुनैना का ऑपरेशन सफल हो गया था। 10 दिन बाद पट्टी खुलनी थी, परंतु इसी बीच प्रेम एक दिन भी उससे मिलने नहीं आया। सुनैना अनुराग से पूछती तो वो यूं ही तरह तरह की बातें करके उसे बहला देता। आखिर वो दिन भी आ गया जब सुनैना की पट्टी खुलनी थी। अनुराग ने उसे पूछा तुम सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहती हो? सुनैना ने कहा मेरा तो सब कुछ मेरा भाई है, मैं उन्हीं को सबसे पहले देखना चाहती हूँ, परंतु भैया हैं कहाँ, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है एक दिन भी नहीं आए। अनुराग सुनैना की पट्टी खोल ही रहा था तभी एक नर्स भाग कर आई और कहने लगी सर 14 नंबर बेड के पेशेंट की हालत बहुत अधिक खराब है। अनुराग वहाँ से प्रेम प्रेम कहता हुआ भाग आया। प्रेम ने अनुराग का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा अनुराग तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? अनुराग ने कहा हाँ यार कुछ भी मांग ले, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। प्रेम बोला मेरे मरने के बाद तुम सुनैना से शादी कर लेना और मुझसे वादा करो कि तुम सुनैना को बहुत अधिक खुश रखोगे, तुम उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दोगे, वादा करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अनुराग जल्दी करो। प्रेम ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अनुराग ने प्रेम के हाथों में हाथ रखकर वादा किया। प्रेम ने उसके हाथों में एक पत्र थमा दिया और कहा इसे मेरे मरने के बाद सुनैना को दे देना। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए चैन की नींद सो गया। अनुराग वापस सुनैना के पास आया और उसकी पट्टी खोलनी शुरू कर दी और उसे धीरे धीरे आँख खोलने को कहा। सुनैना ने आँख खोल दी। पहले तो उसकी आँखों के सामने अंधेरा छाया, पर धीरे धीरे उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। वो बहुत खुश हुई। उसने अनुराग से पूछा प्रेम भैया कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। अनुराग बोला तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोगी नहीं, तभी मैं तुम्हें प्रेम से मिलाऊंगा। सुनैना ने कहा ठीक है। अनुराग उसे प्रेम के पास ले आया। सुनैना ने जब एक व्यक्ति को बेड पर मरे हुए देखा तो पूछने लगी कौन है ये? अनुराग बोला यही तुम्हारे प्रेम भैया हैं। सुनैना ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो प्रेम के पास गई और आंखें बंद करके उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि वही उसके प्रेम भैया हैं, क्योंकि अंधी होने के कारण वो छूकर ही महसूस कर सकती थी। तभी सुनैना बेहोश होकर गिर पड़ी। अनुराग ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर डाले और उसे होश में लाया और प्रेम का लिखा हुआ पत्र उसको दे दिया। उसमें लिखा था मेरी प्यारी बहन तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये पत्र पढ़कर रोगी नहीं। जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी उस समय मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। हर भाई की तरह मेरा भी सपना था कि तुझे डोली में बैठाऊं, पर मेरे हाथ निराशा ही लगी। उसी समय मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। उसी क्षण मैंने ठान लिया कि मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देख लूँगा, तुम्हारी आंखों में ही जीवित रहूँगा। तुम अनुराग से शादी कर लेना, वो बहुत अच्छा इंसान है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम्हारा भाई प्रेम। सुनैना ने भाई की आखिरी इच्छा मानकर अनुराग से शादी कर ली। उसने अपने भाई की फ़ोटो अपने घर के मंदिर में रखी और रोज़ाना सुबह उसकी पूजा करती। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।